गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, जोहार, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स टू योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। नेक्स्ट अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग एनवायरमेंट सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग एनवायरमेंट से जुड़े हुए प्रश्नों पर नजर दौड़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है और ऊपर की ओर संकीर्ण हो जाता है। इज इट राइट और रॉन्ग? एक पारिस्थितिक तंत्र का ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा ही होगा, उल्टा नहीं हो सकता है, और यह हमेशा ऊपर की ओर जाने के बाद संकीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ऊपरी पोषण स्तर में बायोमास सामान्य रूप से निम्न पोषण स्तरों की तुलना में बहुत अधिक होता है। विच इज रॉन्ग और राइट? आई थिंक यू गॉट द आंसर। लेट्स टेकिंग योर टाइम। विच इज द करेक्ट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यू नो अबाउट दैट कि चूंकि प्रत्येक पोषण स्तर को निम्न पोषण स्तरों की ऊर्जा का केवल कुछ हिस्सा ही प्राप्त होता है। यू नो अबाउट द लिंडेन्स फॉर्मूला, 10% रूल, ओनली 10% ऑफ एनर्जी पासेस टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो हरे पौधे से उत्पादक वर्म से उपभोक्ता, उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से सेकेंडरी उपभोक्ता, इस तरह से ओनली एंड ओनली 10% एनर्जी सप्लाई टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी लेवल हमेशा सीधा होता है और ये ऊपर की ओर संकीर्ण हो जाता है, लेकिन आमतौर पर कुछ जलीय पारिस्थितिक तंत्रों को छोड़ दिया जाए तो उच्च पोषण स्तर की तुलना में निम्न पोषण स्तर उच्च बायोमास का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास उत्पादकता के घटते क्रम में निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र पर विचार कीजिए और उसको अरेंज कीजिए। प्रवाल भित्तियां, खुला सागर, उष्णकटिबंध वर्षा वन और मरुस्थल। तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि आप जानते हैं कि मरुस्थल का सबसे कम उत्पादकता होगा, उसके बाद खुला सागर का, उसके बाद फिर सहवाल का होगा, प्रवाल भित्तियों का होगा, और फाइनली उष्णकटिबंध वर्षा वन का सबसे ज्यादा होगा। तो लेट्स सी अबाउट इट। देखिए कि आपको पता होगा कि जो मार्शेस होते हैं, झाड़ियां जो होती है, जो स्वाम्स होते हैं, उसका 2500 ग्राम एनर्जी जो होता है प्रति मीटर स्क्वायर प्रति साल होता है बायोमास प्रोडक्टिविटी। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का यानी उष्णकटिबंध वर्षा वन का, फिर कोरल्स का होता है, उसके बाद अल्गी का होता है, उसके बाद रिवर के एस्चुरीज हैं उसके होते हैं, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट का होता है, फिर कटे हुए जंगलों का होता है, और फिर ओपन सी का होता है, और सबसे कम जो होता है वो मरुस्थल का होता है। उत्पादकता 3 होता लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट जलीय वातावरण के संबंध में कुछ प्रश्न है कि जलीय वातावरण में तलछट विशेषताएं अक्सर बैक्टीरिक जीवों के प्रकार को निर्धारित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो उनके विकास के लिए बहुत जरूरी है। मनुष्य की तरह पौधों की भी आंतरिक तापमान बनाए रखने की एक अद्भुत तंत्र मौजूद होता है, और अत्यंत सूक्ष्म जीव ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम तापमान में पाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए थर्मोरेगुलेशन प्रक्रिया की अत्यंत आवश्यकता होती है। क्या मनुष्य की तरह पौधे में भी आंतरिक तापमान को रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म होता है मौजूद है? इस फॉल्स आंसर। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला और तीसरा सही है। लेट्स सी। देखिए, अधिकांश स्तनधारी द्वारा अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए एक विशेष रूप से मनुष्य जो है इसके लिए विकसित हुआ है, जो अपने जैसे जीवों को अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने की अद्भुत क्षमता है। हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के तापमान को निरंतर बनाए रखने में बहुत ही एडजस्टेड है। गर्मियों में जब हम बाहर का तापमान, चूंकि शरीर के तापमान से बाहर अधिक होता है तो पसीना निकलता है, जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शीतलीकरण होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, यू नो अबाउट दैट, और शरीर के तापमान को रेगुलेट कर देता है। लेकिन अगर सर्दियों में चूंकि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से बाहर कम होता है, तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर जो है, चूंकि अधिक है वो बाहर का कम है, तो हमारा शरीर थरथराने लगता है, कपकपी होने लगती है, जिससे एक तरह से वाइब्रेट होता है और ऊर्जा पैदा होता है, ताकि शरीर के जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके।
लेट्स सी अबाउट कि ये थर्मोरेगुलेशन होता क्या है। देखिए थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा तंत्र है जो जीवित जीवों के निरंतर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने में के लिए अनुमति देता है कि आप जिस तरह के एनवायरमेंट में जाएं आप उसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। मानव शरीर की अधिकांश प्रक्रिया तापमान पर निर्भर करती है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म जिसको उपापचय बोलते हैं, प्रोटीन हार्मोन का संश्लेषण हो, पाचन हो, और बहुत सी जो क्रियाएं हैं चाहे संज्ञात्मक हो। इसके अलावा अधिक गर्मी जिसको हाइपोथर्मिया मतलब अधिक गर्मी हो या हाइपोथर्मिया जो बहुत ज्यादा ठंडा हो तो उसमें गंभीर बीमारियां यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। चूंकि छोटे जानवरों के पास उनकी मात्रा के सापेक्ष बहुत बड़ा सतह क्षेत्र होता है, जानवर जितना छोटा होगा उसका सतही क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, अतः वे बाहर के बहुत अधिक ठंड पर होने पर भी बहुत तेजी से अपने आप को गर्मी खो देते हैं, जिससे उपापचय के माध्यम से शरीर की जो गर्मी है उत्पन्न करने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम जानवर पाए जाते हैं। अगला है कि फास्फोरस और फास्फोरस चक्र के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है, फास्फोरस एंड फास्फोरस चक्र। फास्फोरस एक चक्र जो है काफी हद तक वायुमंडलीय चक्री है, मतलब वायुमंडल में होने वाली घटना है और आसानी से वायु से जल में घुल जाता है फास्फोरस। रही बात फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में मौजूद होता है जो क्षरण और घन गतिविधियों के माध्यम से फास्फोरस चक्र में प्रवेश कर जाता है। जल निकायों में जड़ और मुक्त रूप से तैरने वाले सूक्ष्म पौधों की अधिक वृद्धि के लिए फास्फोरस बहुत जरूरी है। यू नो अबाउट दैट कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फास्फोरस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फास्फोरस चक्र। जैसे कि हम नाइट्रोजन पढ़ते हैं, कार्बन चक्र पढ़ते हैं, ऑक्सीजन चक्र पढ़ते हैं, एग्जैक्टली जितने भी गैसीय पदार्थ जो गैस अवस्था में आते हैं वो वायुमंडली से जुड़े होते हैं, लेकिन फास्फोरस चूंकि गैसीय पदार्थ नहीं है बल्कि ये ठोस रूप में खनिज के रूप में मिलने वाला पदार्थ है, इसलिए स्थलीय प्रक्रिया होती है। फास्फोरस चक्र मुख्य रूप से स्थलीय होता है क्योंकि फास्फोरस का मुख्य भंडार तो पृथ्वी ही की कृष्ठ है, ना कि वायुमंडल का स्रोत है। पृथ्वी पर भूमि पर फास्फोरस आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ना कि फास्फोरस के रूप में। यह फास्फेट चट्टानों के खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में मिल सकता है। क्षरण और खनन प्रक्रियाओं के माध्यम से फास्फोरस चक्र में प्रवेश कर जाता है और अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं के द्वारा फास्फेट नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है और उसके माध्यम से महासागर में प्रवेश कर जाता है। एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होने के कारण फास्फोरस झीलों में न्यूट्रीफिकेशन को बढ़ावा देता है। यू नो अबाउट दैट कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज अगर बढ़ जाए झीलों के वातावरण, झीलों के मतलब पारिस्थितिक तंत्र में, तो उससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो गैर खरपतवार होते हैं वो बहुत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं और वहां के ऑक्सीजन की मात्रा उस जल भूमि की या जल बॉडी की वाटर वो ऑक्सीजन की कमी को कर देते हैं और वहां ऑक्सीजन की कमी होने से जल जीवों की मौत होने लगती है। नाइट्रोजन से संबंधित यौगिक के साथ साथ शैवाल प्रस्फुटन जैसे अवांछनीय स्थितियों को बढ़ावा देता है फास्फोरस भी। ओके, फास्फोरस ऑल्सो फास्फोरस चक्र में जब प्रवेश करता है, जब चट्टानों के क्षय से अपरदन से माध्यम से नदियों के द्वारा बहाकर समुद्र और महासागरों में जाता है तो वहां पर वास्तव में एक प्रकार की नाइट्रोफिकेशन की जैसी घटना ही और एक तरह से संपोषणीय घटना होने लगती है, यूट्रोफिकेशन की जैसे प्रक्रिया होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी प्रजातियों के संबंध में। ये जो एक्जोटिक स्पीसीज होते हैं वो देशज पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरनाक या अंडमान में एक पृथक द्वीप के लिए खतरा उत्पन्न करती है, क्यों? क्योंकि ऐसी प्रजातियां ऑप्शन है कि ऐसी प्रजातियां भोजन के लिए स्थानीय प्रजातियों या देसी प्रजातियों से झगड़ा यानी प्रतिस्पर्धा करने लगती है। इज इट राइट? दूसरा है कि वह स्थानीय प्रजातियों के शिकारी हो सकते हैं, उनका शिकार कर सकते, उनको बचन कर सकती है, उनको समाप्ति कर सकती है और ऐसी प्रजातियों में मूल प्रजातियों में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी प्रजातियों की उपस्थिति से मूल प्रजातियों में रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अबाउट एक्जोटिक और एलियंस स्पीसीज के बारे में। देखिए होता क्या है कि नए वातावरण में विदेशी प्रजातियां प्राय उस नए पर्यावास स्थान में जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक स्थितियां होती है, उसको बदलने में बहुत माहिर होती है, जिससे वहां की मौजूद जो प्रजातियां होती है उसके समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें आक्रामक प्रजाति इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं। आक्रामक प्रजातियां जो दुर्लभ देशज प्रजातियों से थोड़ा सा अलग होती है, निकटता से जुड़ी होती है, हल्की सी जुड़ी जुड़ी होती है, इससे देशज प्रजातियों के साथ वो संक्रमण कर लेती है, उसका प्रजनन उसके साथ स्टार्ट हो जाता है। संक्रमण करने की गजब क्षमता होती है, हाइब्रिडाइजेशन होने की। संक्रमण से हानिकारक प्रभाव के कारण देशज प्रजातियों का बहुत ह्रास हुआ है, ऐसा जानकारी अब स्पष्ट रूप से क्लियर किया जा चुका है। आक्रामक प्रजातियां देशज खाद्य पदार्थों को या स्रोतों को नष्ट करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बहुत से ऐसे स्पीसीज हमारे देश में कभी हुआ करते थे जिसकी विदेशी स्पीसीज के आ जाने के अर्थात आक्रामक स्पीसीज के आ जाने के कारण उनका तो समूल विनाश हो गया कुछ समय बाद और आज दूसरे प्रकार की प्रजातियां हमारे
घने जंगलों में दिखती है। जैसे आप उत्तराखंड के जंगलों में जाइए तो उत्तराखंड का जो मूल जंगल था आज वो जंगल नहीं है। वास्तव में उत्तराखंड के आज जो जंगल चीड़ के जंगल है वो किसी और स्पीसीज के जंगल है, क्योंकि वहां पर किसी और स्पीसीज को काट के हटा दिया गया, वहां पर विदेशी स्पीसीज को लगाया गया और विदेशी स्पीसीज ने आसपास के सारे इसके सारे पर्यावरण तंत्र को मतलब बिगाड़ दिया। आज जंगल में अक्सर आग लगते हैं और झीलों और द्वीपों को आक्रामक प्रजातियों में विलुप्त होने का बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकता है। बहुत से झील नष्ट हो गए, खत्म हो गए, झील तालाब, बहुत से झील मतलब पूरी तरह से एट्रोफिकेशन इतनी ज्यादा मात्रा हो गई हुई है कि इन जीवों का पूरा झील तालाब और उससे पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो गया है। इन स्पीसीज को रोका जाता है। जैसे आपने जीएम क्रॉप के बारे में सुना, हालांकि ये कंसेप्ट उससे नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन जीएम क्रॉप को कहीं ना कहीं पाबंदी क्यों लगाया गया, वो भी एक तरह से विदेशी स्पीसीज के साथ संक्रमण करने के जो बीज बनता है वो जो साइंटिफिक रूप से जो संश्लेषित उसके डीएनए में परिवर्तन करके जो नए स्पीसीज के जो प्रजातियों के जो बीज और उसका जो पौधा का निर्माण होता है, ऊपर पौधा कहीं ना कहीं तो उससे जुड़ा हुआ लिंकेज है, वरना हमारे हमारे देशी फसल को नुकसान पहुंचाता, ऐसा हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता, ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि उसके लिए जो एडेप्शन है, जो अनुकूलन है, वो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है उसको। आपको पता होगा कि हमारे जीएम क्रॉप में केवल केवल एक ही फसल है जिसको भारत में अभी अलॉटेड है, और वो फसल का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलिमिशन से, जैव संदिप्ति। ये जैव संदिप्ति के बारे में बताना है कि जैव संदिप्ति होती क्या, बायोलिमिशन। जैव संदिप्ति वास्तव में जीव द्वारा उत्पन्न विशेष प्रकार का मतलब एनर्जी उत्पन्न होता है जिससे वो प्रकाशित, वो चमकते हैं, और ये केवल केवल समुद्री जीवों में ही हो सकता है। इज इट राइट? कुछ जीवों में जैव संदिप्ति जो होती है अन्य जीवों से बचने के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बायोलिमिसेंस यानी जैव संदिप्ति। जीव आमतौर पर समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्थलीय वातावरण में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल केवल समुद्री वातावरण में, स्थलीय वातावरण में भी मिलते हैं। उनके द्वारा विशेष प्रकार का प्रकाश निकलता है और ये प्रकाश उनके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। बहुत से एंजाइम्स के निष्कासन से, बहुत से एंजाइम के अलावा बहुत से हार्मोन्स के मतलब सीग्रेशन से, केमिकल एक्टिविटीज के कारण केमिकल रसायन उनके शरीर में पैदा होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवीवाद, जो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरासिटिज्म। परजीवीवाद के बारे में बताइए कि परजीवीवाद तब होता है जब दो जीव आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, जहां एक को लाभ होता है दूसरे को नुकसान हो जाता है। इज इट राइट? गाय के आंत में पाए जाने वाला फीता कृमि परजीवीवाद का एक बेहतर उदाहरण है। परजीवीवाद तीसरा ऑप्शन है कि हमेशा होस्ट को मार ही देता है। तीसरा ऑप्शन गलत है। होस्ट हमेशा मार देगा तो फिर अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगा? इट्स अ कॉमन सेंस। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कि परजीवीवाद, जैसे गाय में ध्यान दिया कि उसके फीता कृमि में पाया जाता है, उसके आंत में पाया जाना फीता कृमि उससे विशेष प्रकार मतलब एक तरह से उसके खून को चूसते रहता है, उसी प्रकार से परजीवीवाद दो मतलब कह सकते हैं कि दो जीवों का आपस में इंट्रैक्शन है, एक को नुकसान एक को फायदा होता है। परजीवीवाद एक ऐसा जीव जो अन्य जीवित जीव पर निर्भर रहता, निवास करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। होस्ट आमतौर पर परजीवी द्वारा कमजोर हो जाता है। जिसके शरीर में बैठता है उसको तो कमजोर कर ही देगा, क्योंकि होस्ट के संसाधनों को वो नष्ट करता है, खाता है, पीता है, चूसता है, ठीक है, जिस स्वयं होस्ट पोषण करने के लिए मजबूर होता है।